चौक पे कत्ल कत्ल है तो चार दीवारी में कत्ल है, और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तारीफ की कोशिश है। जो ये कोशिश करेगा, ये ऐवान, ये 25 करोड़ अवाम उन हाथों को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे इससे पहले कि अवाम निकले, इससे पहले कि अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे। हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलता और इस पे कौम को एतमाद नहीं होता, तब तक ये ऐवान जाता रहेगा। सल्लल्लाहु मुबारक फला सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसहाबिही वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इस ऐवान को ये एजाज़ हासिल है कि आज से कम वेश 50 साल पहले जब फितने कादिनियत अपने उरूज पे थी, उस ज़माने में इस ऐवान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की क़्यादत में, जिस ज़माने में मुफ्ती महमूद साहब भी इस ऐवान का हिस्सा हुआ करते थे और जय्यद उलमा भी और हम जैसे आम सियासतदान भी और उस वक्त के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ भी, एक कानून पास हुआ और अल्लाह के करम से उसके बाद उस कानून में कादियानियत को और कादियानियों को नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिम करार दिया गया, और फिर इस ऐवान को तकरीबन 50 साल बाद फिर यह एजाज हासिल हुआ कि बिल्कुल यूनानिमस, मुझे याद है वहां बहिसत पार्लिमानी उमूर में खड़ा था और यहाँ से जमीयत उलमाए इस्लाम, जमात इस्लामी के हमारे चतराल से मेंबर होते थे और एमक्यूएम के हमारे भाई हमारे साथ गवर्नमेंट में थे, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और हमारे नॉन मुस्लिम्स भी जो यहाँ मौजूद थे, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसहाबिही वसल्लम की। और उसके बाद ये एक फैसला हो गया कि पाकिस्तान में जितने जनाब स्पीकर साहब दरसी कुतुब हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहां जहां भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही आएगा, साथ खातम नबीन लिखा जाएगा। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे प्राइमरी स्कूलों में, हमारे मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमारे बच्चे जब दरसी कुतुब वो खोलते हैं तो वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातम नबीन लिखा होता है। ये इस ऐवान का मुश्तरक एक एजाज था जो आज से चंद साल पहले अल्लाह ने हमें नसीब किया, अल्लाह के 100 नामों के नीचे। ये जो फैसला आया है इसके हवाले से मैं सूरह अहज़ाब की आयत जो हामिद रजा साहब ने भी पढ़ी, मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा कि मा काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल शैइन अलीमा। ये बच्चों के लिए है कि वो इसको याद कर लीजिए कि अल्लाह ताला गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला अपने कुरान अजीम शान में गवाही दे रहा है कि जब अभी आदम की तखलीक नहीं हुई, क्योंकि कुरान लोहे महफूज में आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से 4 अरब साल पहले मौजूद था, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की गवाही अल्लाह, बुजुर्ग बरतर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी जब अभी तक कोई एक नबी भी नहीं आया वो गवाही दे रहे हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस का मफहूम है अबू दाऊद में हदीस नंबर 42-52 और तिर्मिजी शरीफ में हदीस नंबर 22-19, और दोनों का मफहूम यह है कि मेरे बाद बहुत से ऐसे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कमी बेशी अल्लाह माफ करे, मेरे बाद बहुत से ऐसे झूठे नबी आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अना खातमुन नबी ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो साबित हुआ कि अल्लाह कहता है कोई रसूल नहीं आएगा, आप आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह के हबीब कहते हैं मैं आखिरी नबी, तो नबूवत का भी दरवाजा बंद, रिसालत का भी दरवाजा बंद। और उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब की 25 करोड़ अवाम ने अल्लाह के 100 नामों के नीचे ऐवान के जरिए
आर्टिकल 260 बड़ी लंबी तफसील है, टाइम ज़ाया हो जाएगा, उसमें ये क्लियर है कि जब तक आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातम नबीन की खत्म नबूत पे यकीन नहीं रखते आप मुसलमान नहीं हो सकते। और अब हमें उसकी हिफाजत करनी है और उसके साथ साथ कुरान अज़ीम शान की भी। अल्लाह ताला ने खुद इसका बीड़ा उठाया है, ये कोई भूल जाए कि हम खत्म नबूत या कुरान की हिफाजत करेंगे, वो अल्लाह करेगा, लेकिन हमने अपना किरदार अदा करना है। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, छोटा मोटा वकील हूं, मेरे ख्याल में इस ऐवान को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे ज्यादा गुलामान रसूल मौजूद हैं, उनको हमसे ज्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमसे ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस फैसले से इबहाम पैदा हुआ है, इसलिए जरूरत इस अमर की है जनाब स्पीकर साहब कि जिस तरह मेरे मोहतरम हनीफ अब्बासी भाई ने बात की है और जिस तरह हामिद रजा साहब साहबजादा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है और जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की है, मैं भी इन तमाम बातों को सेकंड करता हूं। सबसे पहली बात तो तरीके साफ की तरफ से ये कहना चाहता हूं, किसी भी सूरत में रियासत के अलावा हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का हक नहीं है। अगर एक शख्स किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है, जुर्म का मुर्तकिब होता है, उसको पकड़ना, उसको सजा देना हुकूमत पाकिस्तान का उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना इस ऐवान का काम है। और एक आखिरी बात और जनाबे स्पीकर साहब, अगर चौक में कोई कत्ल खुदा ना खास्ता हो जाए, उस पर 302 लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि नहीं चार दीवारी के अंदर हो जाए तो फिर ठीक है? नो, अगर चौक पे कत्ल कत्ल है तो चार दीवारी में कत्ल है। और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तारीफ की कोशिश है। जो ये कोशिश करेगा, ये ऐवान, ये 25 करोड़ अवाम उन हाथों को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे इससे पहले कि अवाम निकले, इससे पहले कि अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे। हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलता और इस पे कौम को एतमाद नहीं होता, तब तक ये ऐवान जाता रहेगा। मेरी दरखास्त है कि इस इशू को आप इसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उसमें सेनेट से मोहतरम मेंबरान को लाइए, उलमाए कराम को बैठाइए, हमें मौका दीजिए और वो पार्लियामेंट्री कमेटी तब तक अपनी मीटिंग्स करती रहे और तब तक वो कमेटी अपनी ड्यूटी करती रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे नजरसानी नहीं कर लेता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कादिर पटेल साहब देता नहीं, आप इशू दूसरी तरफ अफरीदी साहब ले जा रहे हैं, भी मैं मौलाना साहब को भी देना है, ये खत्म होगा इशू, कुछ बिजनेस लेंगे फिर करते हैं, इसको कंक्लूड भी करना है। जी पटेल साहब, हौज़बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद खातमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सराज, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इंतहाई हसास और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि हर मुसलमान, चाहे वो